कृषि से जुड़े तीन विधायकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। संसद में पास हुए कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन में कांग्रेस ने जिला स्तर पर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापसी की मांग की है। देखिए क्या है पूरी खबर। देश में भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने विधायकों का विरोध करते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के अंदर बिल वापसी को लेकर मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर विधायक रामलाल मालवीय, जिला अध्यक्ष कमल पटेल सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन से संवाददाता अरविंद देवधरे की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा कृषि को लेकर जो 3 अध्यादेश बिल लोकसभा में पारित किए हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक निर्देश जारी किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में 25 तारीख को हम लोग ज्ञापन दें और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करें महामहिम राज्यपाल महोदय से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो अध्यादेश लाए हैं, कृषि बिल लेकर आए हैं, उसको वापस किया जाए ताकि किसानों को जो अपनी उपज को सही तरीके से मंडियों में बेच सकें और अपना दाम कृषि व्यापारी स्वयं तय नहीं करे, किसान को उसकी अधिक वो रहे श्रेष्ठता। क्या आगे क्या रूपरेखा रहेगी अगर ये बिल आज तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से और आने वाले समय में अगर ये 7 दिन के भीतर भारत सरकार इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो जिस प्रकार पंजाब हरियाणा और अन्य प्रांतों में जो आंदोलन हो रहा है उस प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की हम लोग चेतावनी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिला प्रशासन को दी है हमने आज। तो किसान को जो आदेश जो पारित करा इन्हें जो तीन जो एक हमारे किसान भाइयों को एक झेर के रूप में ये जो आदेश है वो पारित हो रहा है उसके संबंध में आज हमने कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें हमारा यही कहना है कि इसको बिल को वापस